देखिए कांग्रेस का खुला समर्थन है इस आंदोलन को, लेकिन यहाँ स्थिति अलग है। हमारी बावन खापें इस दुनिया की अनूठी मिसाल हैं, जो दिल्ली बदरपुर से लेकर के मथुरा तक का इलाका और इधर मेवात तक का इलाका इसमें आता है, सभी 36 बिरादरियाँ इसमें आती हैं। तो यहाँ ना कोई राजनीति है, ना कांग्रेस है, ना लोकदल है, ना कोई और है। यहाँ बावन खापों के लोग अपने राजनीतिक स्वार्थों को छोड़ करके, निजी मतभेदों को छोड़ करके और देश के अन्नदाता और मजदूरों के साथ जो अन्याय भारतीय जनता पार्टी कर रही है, उनके साथ फैसला बावन पालों ने लिया है और उसी हुक्म को आज पूरा किया जा रहा है। और हम बावन पालों के सभी हमारे बुजुर्ग और भाई बहुत शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ इन बड़ी सड़कों को हमने रोका है और 3 घंटा हम यहाँ बैठेंगे और सरकार को ये चेतावनी दे रहे हैं कि आओ जल्द इन काले कानूनों को वापस लें और तुरंत से जो किसान मजदूरों की लड़ाई देश में फैलने लग रही है उस लड़ाई को समाप्त करें और काले कानूनों को वापस लें। मैं मेवात से आया हूं, मेरे समाज ये जो आंदोलन है, जो किसान हैं, ये सारे के सारे जाति धर्म रंग भेद इन सबसे ऊपर उठ के आंदोलन शुरू हो चुका है, क्योंकि ये लड़ाई जो है हमारी फसलों के साथ हमारी नस्लों की भी है और ये लात जो सरकार ने मारी है हमारे पेट पे मारी है, इसलिए सारा का सारा किसान सब चीज़ों को छोड़ के आज एक साथ इस रोड पर बैठा है। इसी बिल्कुल हम शांतिपूर्वक रहेंगे, पहले भी आपने देखा है और आज भी पलवल में देखेंगे, हमारी तरफ से हम हाथ जोड़ के ही रहेंगे और जो भी प्रशासन जैसा भी हमारे साथ करेगा हम उसे सहन करेंगे। इस पूरा इलाका बावन पालों का सरदारी सब इकट्ठी है, पूरा किसान इकट्ठे हैं और ये अपनी आवाज़ सरकार तक जैसे पहले पहुंचाते आए हैं, पिछले 75 दिनों से ये लोग यही बात कर रहे हैं सरकार से कि सरकार इनकी बात सुने। आज उसी के संदर्भ में शांतिपूर्ण बैठक है, सड़क पर बैठे हुए हैं, इससे ज़्यादा और कहाँ जाएं, तो इसलिए ये सबसे अपील की गई है कि पूरा शांति से रखें और हम लोग जो आज 3 घंटे के लिए आह्वान है सरकार का विरोध प्रदर्शन करने के लिए, उसलिए हम सब बैठे हैं यहाँ पे। ये पंचायत में पहले बता दिया गया है कि जो छोटी गाड़ियाँ हैं, एम्बुलेंसेज हैं, बच्चों की गाड़ियाँ हैं, स्कूल बसेज हैं, उन सबको मार्ग दे दिया जाएगा और जो बाकी बड़ी बसेज हैं उनको साइड में रखा जाएगा। यहाँ हज़ारों की संख्या में आप सुबह से देख रहे हैं और लोग बहुत सारे आ रहे हैं, विशेष तौर पर एम्बुलेंस और स्कूल और बारात के लिए हम लोगों ने जगह छोड़ी हुई है। ये है।